मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बापोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज प्रथमगढ़। ऊपर चल रहे हैं स्विट्जरलैंड का संविधान। इससे पहले के वीडियो में स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं पर अपन ने चर्चा की थी। आज उसके दूसरे टॉपिक स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपको संघात्मक शासन व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ जान लेना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में व्याप्त है, उसका तात्पर्य होता है फोडस से, FODAS, फोडस। फोडस का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका मतलब हम एक ऐसे राज्य को जो राज्य किसी संधि या समझौते का परिणाम हो उसको संघात्मक कहते हैं। फोडस से प्रेरित होकर एक शब्द बना फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब संघात्मक राज्य। जिस फेडरेशन की हम बात करते हैं, जिस संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, वो वास्तव में जो आया है वो है फोडस से। फोडस का मतलब संधि या समझौता, फेडरेशन का मतलब वो राज्य जिसका निर्माण किसी संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। अगर अपन अमेरिकी शासन व्यवस्था या स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो ये इसी का परिणाम है, इसका संधि या समझौते का। जैसा कि मैं अमेरिकी संविधान जो अपन बात कर रहे थे उस संदर्भ में भी बतलाया था कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिकी महाद्वीप में 13 उपनिवेश थे, 13 राज्य थे। इन 13 राज्यों ने मिलकर एक संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप एक नए राज्य को जन्म दिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाया। धीरे धीरे देखते ही देखते इसके राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई। उन्होंने उसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिस संधि पत्र पर प्रारंभ में 13 राज्यों ने किए थे। आज अमेरिकी संघ में शामिल राज्यों की संख्या 50 है। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी जब संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ था तब वो भी एक संधि और समझौते के माध्यम से आए थे। स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है और इन कैंटनों ने स्विट्जरलैंड के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए स्विस संघ में शामिल हुए थे और उसी के परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। एक कैंटन तो जोरा जिसका नाम है 1990 में इसमें शामिल हुआ था। इसका मतलब जो कैंटन जिन्हें हम आम बोलचाल में राज्य बोलते थे वो आज भी स्विस संघ में शामिल होते रहे, हो रहे, प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको यूनियन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का संघ जिसे हम परिसंघ ज्यादा कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया। यानी कि भारतीय संघ व्यवस्था का निर्माण इस फोडस के रूप में यानी संधि या समझौते के रूप में नहीं हुआ, बल्कि स्वयं भारतीय संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो हमने संविधान का निर्माण किया संविधान सभा के माध्यम से, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन किया, यानी कि हमने ये प्रक्रिया संविधान के मार्फत अपनाई, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में ये प्रक्रिया संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। ये संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभिक अर्थ होता है। वैसे संघात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्र की और एक राज्य की। चूंकि सरकारें दोहरी होती है, दोनों सरकारों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति ना रहे। संविधान के द्वारा ही शक्ति विभाजन कर दिया जाए ताकि संविधान में जो बातें लिखी गई है दोनों सरकारें उसी अनुरूप कार्य करें, उसी सीमा तक कार्य करें। अगर कोई सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, शक्ति विभाजन का उल्लंघन करने की कोशिश करती है तो एक ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए जो दोनों को अपनी सीमा में रख सके, संविधान की रक्षा कर सके। और प्राय जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां न्यायपालिका की कुछ विशेष स्थिति होती है। अमेरिका में भी यही बात है,
अगर केंद्र या कोई राज्य अपनी शक्ति की सीमा को क्रॉस करने की कोशिश करे तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर देता है ताकि संविधान की रक्षा हो सके। इसी रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। भारत में शक्ति विभाजन के आधार पर हमने सूची प्रणाली अपनाई है। सूची प्रणाली के आधार पर हमने तीन सूचियों का निर्माण किया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से हमने दोनों सरकारों के लिए, केंद्र और राज्य के लिए, जो भी उनके महत्व के विषय हैं उनको रख दिया है और साथ में बंदिशें भी लगा दी है कि दोनों सरकारें इन सीमाओं में रहकर कोई भी कार्य कर सकती है। लेकिन अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान में केवल केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाई गई है राज्यों के लिए। जो शक्तियां केंद्र के पास है उनको छोड़कर बाकी सारे के सारी शक्तियां राज्यों के पास है। इसे गणना और अवशेष का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक यही चीज स्विट्जरलैंड के संविधान में भी अपनाई गई है, गणना और अवशेष का सिद्धांत, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाई गई है लेकिन राज्य सरकारों की शक्तियां नहीं। जो शक्तियां केंद्र की है उनको छोड़कर बाकी जो शक्तियां हैं वो सारे सारे राज्यों के पास है, जिन्हें हम वहां केंटन कहते हैं और केंटन इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान की रक्षा के लिए वहां पर न्यायपालिका को भी शक्तियां दी गई है लेकिन उतनी नहीं जितनी की अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था में है। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। स्विट्जरलैंड में भी वो जिम्मेदारी है लेकिन सीमित अर्थों में। कैसे, इसका हम अभी विवेचन करेंगे। चलिए बात करते संविधान में संघवादी तत्व, यानी स्विट्जरलैंड में वो कौन से बिंदु है, वो कौन से तत्व है जो स्विट्जरलैंड को संघात्मक शासन घोषित करते हैं। पहला है लिखित और कठोर संविधान। हमेशा संघात्मक शासन व्यवस्था में पहली बात संविधान लिखित होना चाहिए। लिखित इसलिए होना चाहिए कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि ये शक्तियां केंद्र की है, ये शक्तियां राज्यों की है, केंद्र ये कार्य कर सकता है ये नहीं कर सकता, राज्य ये कार्य कर सकते ये नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि दोनों सरकारें अपनी सीमा में रह सके। और संविधान कठोर इसलिए होना चाहिए कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। अगर संविधान कठोर नहीं हुआ तो हो सकता है कि केंद्र सरकार उस पर मनमाना परिवर्तन कर ले और संविधान को अपनी तरफ मोड़ ले और ऐसी स्थिति में संघात्मक शासन व्यवस्था का अंत हो जाएगा और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। सारी की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में हो जाएगी और राज्य या केंटन केंद्र के मोहताज हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित हो और कठोर भी। ये चीजें स्विट्जरलैंड में भी पाई जाती है। स्विट्जरलैंड का वर्तमान जो संविधान है जो 1 जनवरी 2000 को लागू हुआ था स्पष्ट रूप से लिखित संविधान है और इस संविधान में कठोरता की भी विशेषता है, यानी कि उसमें आसानी से केंद्र सरकार यदि चाहे तो मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके लिए केंद्रीय संसद के दोनों सदन और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल और मतदाता, इसमें बहुत अनोखी विशेषता यह कि मतदाताओं की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, बिना उनकी स्वीकृति के संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। आगे अमेरिकी संविधान में कठोर है लेकिन अमेरिका में भी मतदाताओं की स्वीकृति की बात नहीं लिखी गई है। वहां पर संघीय संसद और इसके अलावा 3/4 राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। इस रूप में अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड का संविधान अमेरिकी संविधान से एक कदम आगे है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, भारत में सूची प्रणाली अपनाई गई। हमने तीन सूचियां बनाई, संघ, राज्य और समवर्ती, और जिस सरकार के लिए जो कार्य होने चाहिए वो हमने उन सूचियों में डाल दी। अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, केवल केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाएगी और शेष शक्तियां राज्यों को सौंपती गई। ठीक वही चीज स्विट्जरलैंड के संविधान में भी अपनाई गई, गणना और अवशेष का सिद्धांत, केंद्र सरकार की शक्तियां गिना दी गई और बाकी जो भी शक्तियां शेष रहेगी वो सारी सारी शक्तियां केंटनों को यानी कि राज्यों को प्रदान कर देगी। स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन स्विट्जरलैंड के संविधान में परिलक्षित होता है। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता,
यहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है संविधान की रक्षा के मामले में। हालांकि अगर न्यायपालिका की स्थिति देखी जाए तो अमेरिका के संविधान में जो न्यायपालिका की विवेचना की गई है उसके बनिस्पत स्विट्जरलैंड के संविधान में न्यायपालिका थोड़ी कमजोर है। कमजोर इसलिए कि अगर संघ सरकार संविधान के अलावा कोई कार्य करे या किसी बात का उल्लंघन करे या कुछ भी, न्यायपालिका न्याय पुनरावर्तन शक्ति के माध्यम से संघीय सरकार के किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। अगर केंटन यानी कि राज्य कोई भी कार्य संविधान के विपरीत करे, केंद्र के कानून के विपरीत करे, तब वहां की न्यायपालिका केंटन के कार्य को अवैध घोषित करके समाप्त कर सकती। कहने का तात्पर्य कि स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका केंद्र के कानून को समाप्त नहीं कर सकती लेकिन राज्य के कानूनों को समाप्त कर सकती है। अगर इस बारे में हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की न्यायपालिका चाहे केंद्र का कानून हो चाहे राज्य का, अगर वो संविधान के विरुद्ध है, अगर कानून की प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, तो उसे अवैध घोषित करके समाप्त कर सकते। इस मामले में स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका थोड़ी कमजोर अवश्य, फिर भी वो स्विस संविधान की अच्छी तरीके से रक्षा करती है। अगला, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। तीनों देशों की बात करें इस मामले, भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। भारत में जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यहां पर प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है। सीनेट में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व है, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि आएंगे। ठीक उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान में भी जो उच्च सदन है उसका नाम सीनेट है। जो 2000 में संविधान लागू हुआ उसमें संसद के दोनों सदनों के नाम बदल दिए गए, एक का नाम अमेरिका की भांति प्रतिनिधिसभा और दूसरे का सीनेट रखा गया। तो सीनेट उच्च सदन है, राज्यों का सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यहां पर भी प्रत्येक कैंटन को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। वहां पर अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा कि 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है, यानी कि 20 पूरे राज्य और 6 आधे राज्य। 6 जो आधे राज्य उनको मिलाकर 3 पूरे राज्य होते हैं, 3 पूर्ण कैंटन होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 23 कैंटन यानी 23 राज्य वहां पर है। प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जो पूर्ण कैंटन है वो 2 प्रतिनिधि भेजेगा, जो अर्ध कैंटन है वो 1 प्रतिनिधि भेजेगा। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के उच्च सदन यानी कि सीनेट में 46 प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। अगला है संविधान संशोधन में इकाइयों को शक्ति। मैंने भी बताया कि कोई भी संविधान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आधे से अधिक राज्य और उनके मतदाता उसको स्वीकार न कर ले। यहां पर एक अनोखी बात यह भी है कि संविधान में संशोधन के लिए जनता भी पहल कर सकती है, राज्य के जो विधानमंडल है केंटन के जो विधानमंडल है वो भी पहल कर सकते हैं और संघीय संसद भी पहल कर सकती है। चाहे मतदाताओं से पहल हो क्या है, चाहे विधानमंडलों से राज्य विधानमंडलों से पहल हो कराए, संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में, केंद्रीय संसद में। ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों से बहुमत से पारित होने के बाद, जब दोनों सदनों से पारित हो गया तब वह राज्यों के पास जाएगा और राज्यों में आधे से अधिक राज्य जिन्हें हम केंटन कहते हैं वो उसको स्वीकार कर ले, पास कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे और उसके बाद आधे से अधिक मतदाता यानी कि मतदाताओं का बहुमत भी उसे पारित कर दे, तभी स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन हो सकता है। तो यहां पर संविधान संशोधन में राज्यों को यानी केंटनों को पर्याप्त शक्तियां दी गई है, उनकी इच्छा के बिना संविधान में संशोधन संभव नहीं है। नागरिकता, नागरिकता के मामले में स्विट्जरलैंड एक कदम आगे है। संघात्मक शासन व्यवस्था में हमेशा दोहरी नागरिकता होती है, भारत इसका अपवाद है। भारत अपवाद इसलिए कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता है, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति अमेरिकी संघ सरकार का भी नागरिक है और साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक है जिस राज्य में वो निवास करता है। इस मामले में स्विट्जरलैंड एक कदम आगे है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले स्विस नागरिक है, उसके पश्चात
उस कैंटन का नागरिक है जिस कैंटन में वो निवास करता है, और उसके पश्चात उस कम्यून का नागरिक है जिस कम्यून में वो निवास करता है। कम्यून स्विट्जरलैंड में जिले को कहा जाता है। तो तिहरी नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का एकमात्र राज्य सिर्फ स्विट्जरलैंड ही है। अगला है दोहरी सरकारें। हमेशा संघात्मक शासन व्यवस्था में दो सरकारें होती है, दोहरी सरकारें होते हैं, एक केंद्र की और एक केंद्र की। केंद्र मतलब राज्य, हम भारत में उसको प्रदेश कहते हैं, अमेरिका में उसको राज्य कहते हैं, स्विट्जरलैंड में उसको कैंटन कहा जाता है। नाम कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब दो प्रकार की सरकारें होनी चाहिए, एक संघ की सरकार और एक प्रत्येक राज्य या केंटन की सरकार। इस रूप में स्विट्जरलैंड में दोहरी सरकारें हैं, केंद्र की भी है और प्रत्येक केंटन की। ये जो बिंदु है ये बिंदु स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, ये बतलाते हैं, ये प्रतीक इस बात के कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य स्विट्जरलैंड भी माना जाता है। अगला हेडिंग है शक्ति विभाजन। एक्चुअल में संघात्मक शासन व्यवस्था इसी चीज पर आधारित होती है, जहां पर शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए उसे एकात्मक शासन कहते हैं, जहां शक्तियां बांट दी जाए केंद्र और इकाइयों में उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। स्विट्जरलैंड में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया अनुच्छेद 42 से लेकर के अनुच्छेद 135 तक। शक्ति विभाजन के आधार पर विषय गिराए गए। इस रूप में सबसे पहले संघीय अधिकार। मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका की भांति गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि सिर्फ संघ सरकार की शक्तियां गिनाई गई है, कैंटनों की शक्तियां गिनाई नहीं गई। जो शक्तियां बच गई शेष रह गई वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है, और वो शक्तियां राज्यों के पास या जिसे हम केंटन कहते हैं केंटनों के पास है, और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंटन को है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघीय अधिकारों की, यानी कि वो विषय जिन पर संघीय सरकार कानून बना सकते हैं। कुछ खास विषय है जैसे कि वैदेशिक संबंध, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, युद्ध वित्त की व्यवस्था करना, बजट आदि, डाक तार मुद्रा रेल सेना आदि। सेना के बारे में मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में जिस संविधान को हमने लागू किया है उसमें पहली बार सेना का उल्लेख किया गया। इससे पहले के जो संविधान थे कहीं पर भी सेना का जिक्र नहीं था। जिक्र इसलिए नहीं था कि स्विट्जरलैंड एक तटस्थ राज्य था, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में युद्ध में वो शामिल नहीं होता था, इसलिए स्विट्जरलैंड की अपनी कोई सेना नहीं थी। लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने तटस्थता तोड़ दी, अब वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है, और उसने सेना का निर्माण भी कर लिया। इसलिए ये जो विषय है जो केंद्रीय महत्व के वो केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। मैंने केवल कुछ विषय जो मूल विषय है उन्हीं के ऊपर दृष्टिपात किया है। ये सारे के सारे विषय संघीय सरकार के जो अनुच्छेद 42 से अनुच्छेद 135 तक गिनाए गए। दूसरा संवर्ती अधिकार, यानी कि वो अधिकार वो विषय जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र की भी और केंटन की। और स्थिति वही है जो संघात्मक शासन व्यवस्था में सभी देशों में होती है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो। दोनों सरकारें जिस विषय पर कानून बनाती है यदि दोनों कानूनों में विरोध हो, यानी केंद्र और राज्य के कानून एक दूसरे के विरोधी हो, तो केंद्र का कानून मान्य होता है और राज्य का कानून अप्रभावी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो संवर्ती अधिकार दिए गए, अगर केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोध होता है तो यहाँ पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है और राज्य का कानून उसी समय तक उसी सीमा तक अप्रभावी हो जाता है। ऐसे कौन से विषय हैं? प्रेस व उद्योगों पर नियंत्रण, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। बैंक, आप्रवासन, राजपथों की व्यवस्था। आप्रवासन का मतलब जो लोग दूसरे देशों में कहीं पर निवास करते हैं प्रवासी हों, उनके लिए भी कानून दोनों सरकारें बना सकती है। अगर दोनों में विरोध होगा तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अगर विभक्त अधिकार, यानी कि वो अधिकार जो दोनों सरकारों में बांट दिए गए हैं। अनुच्छेद 95 कहता है विदेशों से संधि केवल केंद्र सरकार कर सकती है। विदेशों से यानी दूसरे देशों के साथ संधि करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। लेकिन किंतु विशेष विषयों पर केंटन भी दूसरे देशों के साथ संधि कर सकते हैं, विदेशों के साथ संधि कर सकते हैं। विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य का प्रश्न हो तो वहां पर केंद्र के अलावा राज्य भी विदेशी राज्य के साथ संधि कर सकते हैं।
अनुच्छेद 13 कहता है सेना व्यवस्था तथा संचालन केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य अपने यहां पर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना का निर्माण भी कर सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि केंद्र की सेना दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ने और राज्य की व्यवस्था भंग होने पर उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, लेकिन राज्य की सेना अपने यहां पर व्यवस्था सुचारू रखने का कार्य करते। इसलिए दोनों सरकारें सेना का संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, रेलों का प्रशासन, माप तोल के मापदंड, ये ऐसे विषय हैं जो दोनों में बांट दिए गए, दोनों ही अपने अपने क्षेत्राधिकार पर कार्य कर सकते हैं। यहां पर कानून में विरोध हो तब भी कोई भी कानून समाप्त नहीं होता। समवर्ती अधिकार और विभक्त अधिकार में ये अंतर है कि समवर्ती अधिकार में केंद्र और राज्य के कानून में विरोध होगा तो राज्य का कानून समाप्त हो जाएगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, लेकिन विभक्त अधिकार में अगर दोनों कानूनों में विरोध हो तब भी दोनों के कानून यथावत रहेंगे अपने अपने क्षेत्राधिकार में, यथावत रहेंगे, किसी का कानून समाप्त नहीं होता। यह है शक्ति विभाजन जो स्विट्जरलैंड के संविधान में गिनाया गया है, किया गया है। तो ये मोटे मोटे रूप में स्विट्जरलैंड में स्थापित संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था प्राय समस्त देशों में एक जैसी होती है, थोड़ी बहुत भिन्नता इसमें हो सकती है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था जिस चीज पर आधारित होती है वह शक्ति विभाजन। अगर शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है तो वो संघात्मक शासन है, और शक्तियां यदि एक ही जगह केंद्रित कर दी गई, एक ही सरकार को सौंप दी गई है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। इंग्लैंड एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है, जबकि भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। अगर इसमें किसी बात में आपको शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।